X9 News Political Bite। 26 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा में समाजवादी पार्टी का एक भी सांसद नहीं बचा है, यानी ये कह सकते हैं कि संसद में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा कहीं ना कहीं साफ हो गया है। एक वक्त था दोस्तों जब समाजवादी पार्टी लोकसभा में 6 सांसदों वाली पार्टी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लोकसभा से सपा के सांसदों की जो संख्या है ये कम होती चली गई। अब आलम ये है कि लोकसभा में सपा का एक भी सांसद नहीं बचा है। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट भी खाली हो चुकी है, जिससे 1996 में मुलायम सिंह यादव पहली बार लोकसभा सीट से जीत कर पहुंचे थे, और तब से आप कह लीजिए कि वो जो पकड़ थी मुलायम सिंह यादव की वो कभी कमजोर नहीं हो पाई, और वो 2019 के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी मुलायम सिंह यादव इस सीट से जीत कर संसद पहुंचे थे। अगर मैं आपको नंबर्स की बात बताऊं तो ये 7वीं बार था 2019 में जब मैनपुरी लोकसभा सीट से जीत कर मुलायम सिंह यादव संसद पहुंचे थे। 2019 में अखिलेश भी अपनी सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन 2022 की बात करेंगे तो उसमें अखिलेश ने अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव का हाल ही में निधन हुआ, और अब मैनपुरी सीट के खाली होने के बाद यादव परिवार या समाजवादी पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा में मौजूद नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव के कंधों पर मैनपुरी सीट की जिम्मेदारी आ चुकी है दोस्तों, और ये जो सीट की जिम्मेदारी है ये बखूबी उनको निभाने पड़ेगी, जिसे हर हाल में उनको पूरा करना पड़ेगा, वरना लोकसभा से समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होना तय माना जा रहा है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।